Dear student, today we will discuss another viral disease which is called measles. Measles disease जो है ये measle virus से produce होता है. So measles is caused by measle virus, also called rubella virus. रेबियोला वायरस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मीज़ल वायरस था या है, ये एक साइंटिस्ट था, उसने उसको रेबियोला वायरस का नाम दिया. क्यों दिया? इसलिए कि उनके लैंग्वेज में, जो साइंटिस्ट था उनके लैंग्वेज में रेबियोला को कहते हैं रेड कलर. रेबियोला मीन्स रेड कलर. सो ये वायरस जो है ये बॉडी पे रैशेज, रेड रैशेज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रेबियोला वायरस भी कहते हैं. और ये बिलोंग करते हैं टू द फैमिली ऑफ पैरामेक्सो वायरस, ठीक है. पैरामेक्सो वायरस की जो फैमिली है मीज़ल वायरस उससे बिलोंग करता है, ठीक है. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए है, लीनियर है, एनवेलप्ड है, और इसमें दो किस्म के स्पाइक्स हैं. ये देख ले, एक जो है मैंने ये ग्रीन कलर के बनाए हैं, ठीक है, और ब्लैक कलर के भी बनाए हैं, ठीक है. तो ये जो एक किस्म है इसको एच स्पाइक कहते हैं, और जो ब्लैक कलर है उसको मैं एफ स्पाइक कहते हैं. एच स्पाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हीमोग्लोटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, हीमोग्लोटिन प्रोटीन से. और ये जो एफ़ है इसको फ्यूजन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है. तो जो एच स्पाइक है ये क्या करते हैं? ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, वायरस के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू द सरफेस ऑफ द सेल. सेल जो होता है उस पर अटैक के लिए जो अटैचमेंट होती है वो थ्रू एच स्पाइक होते हैं. और जो फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है, जो एफ स्पाइक्स हैं ये क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज करते हैं, ठीक है. जो सेल होता है उस पर जब वायरस अटैक करते हैं, ठीक है, ये जो है ये सेल फ्यूजन हो रही है, सेल इसके साथ अटैच हो जाएगा जो वायरल एनवेलप है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ओपनिंग बन जाती है. ओपनिंग बन जाती है तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो है ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन कैसे होती है? थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यानी जब कफ और स्नीजिंग होती है तो उसमें ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, उन ड्रॉपलेट्स में जो है वायरसेस होते हैं, ठीक है, और वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल की रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एयर में होते हैं तो जो सांस लेता है तो वो एयर जो है वो इनहेल हो जाता है इन द हेल्दी इंडिविजुअल, और उसमें जो है मीज़ल डिजीज जो है वो काज हो जाता है, ठीक है. तो मीज़ल वायरस इज़ एन एक्यूट हाई इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है. ये जो है एक्यूट और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, आकरिंग जनरली इन चिल्ड्रन, और ये बच्चों में मेनली आकर होता है. कल्टीवेशन इस तरह इसकी कैसी होती है? इन द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स, इन द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स ऑफ द किडनी. किडनी के जो एपिथेलियल सेल्स है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, किडनी की, और उसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये कल्टीवेट होते हैं, ठीक है. तो ह्यूमन और मंकी की जो किडनी है उसमें वो यूज़ होता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है रेजिस्टेंस. तो ये ससेप्टेबल है टू हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है. सनलाइट एंड वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं. पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? ये है कि जो मीज़ल वायरस है वो थ्रू ड्रॉपलेट जो है एंटर होते हैं इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक.
जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाते हैं तो उधर लोकली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो है ये स्प्रेड हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं टू लाइम्फाइड टिशू तक पहुंच जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से, और वहाँ पे वो फर्दर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जब उनकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है फिर ये एंटर हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं एंड अटैक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल और द स्किन, स्किन की जो एंडोथेलियल सेल है उस पर अटैक करते हैं एंड काज रैशेस, ठीक है, और रैशेस प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर के सारे बॉडी पे रैशेस बन जाते हैं। इम्यूनिटी, तो वो पर्सन जिसने जिसको ये डिजीज़ हुआ हो तो उसको जो इम्यूनिटी वो लाइफ टाइम मिल जाती है, ठीक है, उस पर दोबारा जो है वो मीज़ल्स वायरस जो है या मीज़ल डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो चुके होते हैं। सो लाइफ लाइंग लॉन्ग इम्यूनिटी आकर इन पर्सन हु हैव हैड द डिजीज़, जिसको ऑलरेडी ये डिजीज़ हो चुका हो तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो 10 to 14 days में जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, यानी 10 दिनों तक अगर वायरस जो है वो बॉडी के अंदर हो तो उसकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, डिवीजन होती है, कोई साइन सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। सो द साइन सिम्टम्स अपीयर विद इन 10 to 14 days, ठीक है, ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जो सिम्टम्स है या क्लिनिकल फाइंडिंग है तो क्या है उनके सिम्टम्स, तो उनको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एक को प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स या प्रोड्रोमल स्टेज या प्रोड्रोमल फेज। तो दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 days, ये 2 to 4 days तक ये स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि फीवर होता है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, रनिंग नोज हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ठीक है, कंजक्टिवा का की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन दिस स्टेज वायरसेस इज यूजुअली प्रेजेंट इन टीयर, यूरिन, ब्लड, नेजल एंड फेरिंजियल सिक्रीशन। तो इस स्टेज में जो है ये जो वायरसेस है ये आल्सो अपीयर टीयर में मौजूद होते हैं, यूरिन में मौजूद होते हैं, ब्लड, नेजल और फेरिंजियल से जो सिक्रीशन होती है उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोडर्मल स्टेज है उसमें एक और भी एक डिजीज़ उसको लग जाती है जिसको कोपलेट स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है, कोपलेट स्पॉट्स। कोपलेट स्पॉट्स क्या है, दीज आर द ब्राइट रेड लिजन विद वाइट सेंट्रल डॉट दैट आर लोकेटेड ऑन बकल म्यूक्यूसा। इस तरह का जो रेड लिजन जख्म बन जाता है रेड, और उसके सेंटर जो है वो इस तरह वाइट होता है, ठीक है, इस तरह का लिजन बन जाता है, जख्म बन जाता है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है उसमें वाइट डॉट होता है, ठीक है। सो कॉपलेट स्पॉट जो है आर ब्राइट रेड लिजन विद वाइट सेंट्रल डॉट देट आर लोकेटेड ऑन बकल म्यूकोसा। तो जो मुंह में जो आखिरी जो दांत होते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट वाले जो टीथ होते हैं, ठीक है, इसके साथ गम के साथ ये इधर लिजन बन जाते हैं, ठीक है, और उसमें वाइट डॉट होते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो थ्री टीथ है इसके बिसाइड साथ में जो है ये लिजन और लिजन बन जाते हैं जिसमें वाइट डॉट होता है, ठीक है। और इसकी पहचान जो है अगर एक डॉक्टर के पास पेशेंट चला जाता है तो पहले वो उसके जो टीथ के साथ जो लिजन्स है वो देखते हैं, अगर लिजन है और उसमें वाइट डॉट हैं तो वो कंफर्म हो जाते हैं कि इसको मीज़ल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्टेज जो है वो इरप्टिव या उसको जेन
जेंटीमेटस एरप्टिव और जेंटीमेटस स्टेज या फेज या सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर चंद दिनों बाद जो है उसके जो फेस है उसके स्किन में जो है मैक्यूलो पेपुलर रैश, मैक्यूलो पेपुलर रैश अपीयर हो जाते हैं, यानी बॉडी में जो है मैक्यूल्स क्या है, रैश हैं। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को पहले जो फॉक्स डिजीज थी उसमें डिस्कस किया था कि इस तरह के रेड रैश बन जाते हैं और फिर जो है मैक्यूल बन जाते हैं, थोड़े से उभर जाते हैं। ठीक है, थोड़े से उभर जाते हैं, उबार है थोड़े से, ये इसकी उबार हो जाती है, तो उसको जो है मैक्यूलो पेपुलर रैश कहते हैं। ठीक है, और ये फेस पे पहले अपीयर हो जाते हैं एंड देन प्रोसीड ग्रेजुअली डाउन द बॉडी टू लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेस से नीचे की तरफ आते हैं और इवन जो हाथ के पाम है और सोल है पाँव के उसमें भी ये अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पाम एंड सोल। ठीक है, सो आफ्टर सेवरल डेज द रैशेज डेवलप टू अ ब्राउनिश ब्लू, और फिर जो रेड रैशेज होते हैं ये चंद दिनों बाद जो है इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्राउनिश ब्लू कलर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन में जो है क्या हो जाता है, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेला की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो जाती है। इंसेफेला किसे कहते हैं, इंसेफेला ब्रेन को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके अलावा निमोनिया हो जाता है एंड आल्सो स्टमाटाइटिस, स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, लेब डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, लेब डायग्नोसिस जो है वो जो नेज़ो फेरेंजल स्वाब लेते हैं। ठीक है, तो नोज़ में जो है किसी भी मतलब है कि जो ह्यूमन होता है, ठीक है, उसके नोज़ में जो है हम स्वाब इंटर करते हैं अप टू फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स तक पहुंचा देते हैं वो स्वाब। ठीक है, और उससे जो है फिर वो सैंपल लेके फर्दर इसके साथ प्रोसेस करते हैं, इसके अलावा ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें डिटरमिनेट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ नो एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल, तो इसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो प्रिकॉशन हमने क्या लेने हैं कि प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है। ठीक है, और जिस पेशेंट को मीजल्स हुआ हो तो उसको आइसोलेट करेंगे ताकि दूसरे जो इंडिविजुअल है उसमें ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, इसके अलावा उसको लिक्विड डाइट देना होगा, सेमी सॉलिड फूड शुड बी गिवन। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पेन होता है बॉडी में और जो टेम्परेचर राइज होता है, फीवर होता है, तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग जो है साथ में दिया करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मम्स। ओके, थैंक यू।